इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, मैग्नेटिक डायपोल्स को स्टार्ट करने के लिए हो सकता है हमें बार मैग्नेट की जरूरत पड़े, तो उस केस में मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली मैग्नेट की, बार मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी बार मैग्नेट के दो पोल्स होंगे नॉर्थ एंड साउथ। आप अगर ये सोचें कि एक पोल है दूसरा खत्म हो गया, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। पोल्स तो दो होंगे ही होंगे, नॉर्थ एंड साउथ, इक्वल एंड ऑपोजिट। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को रस्सी से टांग दें, धागे से टांग दें, तो आप उसे छोड़ दें फ्री में, तो क्या करेगी वो अर्थ, इसका जो नॉर्थ है मैग्नेट का, वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और साउथ अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करेगी। नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ठीक है यहां तक? पर अजीब बात यह है, नॉर्थ साउथ को पॉइंट करना चाहिए और मैग्नेट का साउथ अर्थ के नॉर्थ को। ऐसा इसलिए होता है, साउथ साउथ मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो अर्थ है, हम आगे आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे, अगर ये अर्थ है, अर्थ का जो मैग्नेट होता है ना, उसके जो पोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ, उल्टा होता है, अंदर से अर्थ का मैग्नेट ऐसा है। तो सोचो जब आप इसको लटकाते हो एक धागे से, तो मैग्नेट का नॉर्थ सही है ना, मैग्नेट का नॉर्थ कहां जा रहा है, साउथ। लेकिन फिर कोई कहता है ये क्या चीज है, मैं बोलता हूं ये नॉर्थ पोल है। ये कौन सा है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये क्या है, ज्योग्राफिक साउथ। ये ज्योग्राफी वालों ने बना रखे हैं नॉर्थ एंड साउथ। तो हम बोलते हैं कि अगर मैग्नेट को लटका दिया, तो मैग्नेट का नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट करता है, लेकिन एक्चुअल में मैग्नेटिक साउथ को ही करता है। तो सही है, तो पहले अब तो जीपीएस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया, कहीं भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्लेन उड़ रहा है, शिप जा रही है, पहले थोड़ा ना होता था। तो लोग क्या करते थे, जंगल में घूम गए, समुद्र में घूम गए, क्या करते थे, मैग्नेटिक नीडल्स। तो मैग्नेट की नीडल्स बता देती थी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा होता है, हम कहां जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, प्लेन हवा में उड़ रहा, दिख ही नहीं रहा कुछ भी, कहां उड़ रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे दिखाता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आज की डेट में भी अगर जीपीएस खो जाए, तो पायलट्स की, मर्चेंट नेवी, इन सब की बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है, इसमें यही सिखाते हैं अगर आप घूम जाए तो आपको क्या करना है। तो आपको ये सारी चीज सिखाई जाएंगी, मैग्नेटिक नीडल्स, इनको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे काम करते हैं, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नॉर्थ पोल ऑलवेज अट्रैक्ट साउथ पोल और नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, सबको पता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप एक मैग्नेट को काट दें नॉर्थ एंड साउथ, तो यहां बना लेना ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऐसे अगर आप इसे कट कर दें, तो ये ना सोचें कि यहां से तो चलो कुछ पोल निकलेगा नहीं, नहीं, ऑटोमेटिकली ये पोल क्या बन जाएगा, साउथ, और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। फिर काट दें नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, जितने मर्जी काटते रहे, नॉर्थ साउथ निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ। इसका एक एक्सपेरिमेंट है, आप मैग्नेटिक नीडल ले लें, वो मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, वो देखो ऐसे पॉइंट करेगी, जब यहां रखेंगे तो ऐसे करेगी, यहां रखेंगे ऐसे करेगी, यहां रखेंगे ऐसे करेगी, तो मैग्नेटिक नीडल कहां जा रही है, उसका जो नॉर्थ का हेड है वो साउथ को टच कर रहा है। तो ये शो कर रहा है कि नीडल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है यहां पर, तो मैग्नेटिक लाइंस कहां से कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तभी तो मैग्नेट के नॉर्थ ने साउथ को पकड़ा, इसका मतलब यहां पर नीडल नॉर्थ से साउथ, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ पे जाती है, तो आप ट्रेस भी कर सकते हो वैसे, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की कि अगर एक मैग्नेट है, उसकी जो पूरी ज्योमेट्री से, स्केल से लंबाई लें, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, और जो पोल्स होते हैं वो थोड़े से अंदर होते हैं इस मैग्नेट के, पोल्स के बीच में डिस्टेंस छोटा होता है, और इस लेंथ को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। ये ज्योमेट्रिक लेंथ है, ये मैग्नेटिक लेंथ है, ज्योमेट्री की लेंथ बड़ी होती है एंड टू एंड, और मैग्नेटिक लेंथ छोटी होती है, और इनकी रेशियो 6/7 है, जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 6/7 टाइम ज्योमेट्रिक लेंथ होती है, और डिवाइड करके 0.84 आएगा, इसकी प्रॉपर्टी है। हालांकि ये प्रॉपर्टी हम यूज नहीं करते, हम यही मानते हैं कि नॉर्थ और साउथ कॉर्नर पे होते हैं, इतने चक्कर में पड़ते नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, अगर आपके पास सपोज कोई भी दो मैग्नेट्स हैं या दो पोल्स हैं, जैसे ये एक मैग्नेट है, ये M1 है और ये M2 है, ओ सॉरी
ये मैग्नेट है जिसमें दो मैग्नेट्स हैं सच दैट ये M1 है नॉर्थ है और ये M1 है साउथ है, पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहती है ना। एक नई मैग्नेट है ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसकी पोल स्ट्रेंथ M2 है और ये M2 है, M2 M2 है ठीक। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितनी फोर्स से करेगा। तो ये डायग्राम को थोड़ा इजी बना लिया कि बस ये अकेला पोल ले लिया और ये अकेला पोल ले लिया, इसकी पोल स्ट्रेंथ M1 है इसकी M2 है एंड दे आर सेपरेटेड बाय R। तो एक्चुअल में तो ऐसा डायग्राम होगा ऊपर वाला, लेकिन बनाया ऐसा है। तो कोई ये ना सोचे कि अकेला पोल कहां से आ गया, क्योंकि अकेला पोल दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्यों, नॉर्थ तो अकेला रहेगा नहीं, नॉर्थ के साथ साउथ जरूर आएगा मैग्नेट में, तो नॉर्थ साउथ का मतलब M1 M1 होगा। पर जब मैं यहां अकेला अकेला बनाता हूं M1 M2 तो लोग सोचते हैं पता नहीं कैसे आ गया। तो ये जस्ट अजम्पशन है कि ऐसे आया है। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगे और अगर ये साउथ होता तो अट्रैक्ट करते, तो इनके बीच में मानते हो कि फोर्स होगी, इनके बीच में जो फोर्स होगी वो M1 M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी। तो इनमें जो फोर्स होगी एफ इज प्रोपोर्शनल टू M1 into M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स इज सम कांस्टेंट इनटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू M1 into M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू आ गई, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। आपको फील नहीं आ रहा, कूलम लॉ चल रहा है, M1 M2 Q1 Q2 की जगह M1 M2 हो गया। तो इसे बोलते हैं कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो ये मैग्नेटिज्म का क्या है, कूलम लॉ है। क्लियर है यहां तक? तो कूलम लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स में 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिज्म में एम वन एम टू बाई आर, ठीक है यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट है ये कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म है और एम वन एम टू इसकी पोल स्ट्रेंथ है। ये हमने कर लिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये कर लिया। फील्ड को लिखने के कई तरीके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना लो, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर ऐसे बना लो, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं है। तो ये बार मैग्नेट है, इसका एक्सिस है और ये बस इतना ही सफिशिएंट है, राइट। नेक्स्ट है, तो अब कोई स्टूडेंट ये बोला सर एक बात बताओ कि अगर मैं एक सोलेनॉइड लूँ, ये एक सोलेनॉइड है ठीक है, तो सोलेनॉइड के अंदर आई करंट है ठीक है, तो सोलेनॉइड तो अगर सोलेनॉइड में आई करंट है तो इस केस में एक जो रिंग है, एक जो सर्कुलर रिंग है उसमें करंट है। अगर उसमें करंट है तो बी जनरेट कर रहा है उसके एक्सिस पे, हमने किया था कि करंट कैरिंग लूप बी जनरेट करता है, तो वो बी जनरेट करेगा। और अगर वो बी जनरेट करेगा तो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो एक रिंग एक मैग्नेट है, दूसरा रिंग एक मैग्नेट है, तीसरा रिंग एक मैग्नेट है। कोई बोला मैग्नेट है तो पोल्स भी होंगे नॉर्थ एंड साउथ, तो बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन नॉर्थ कौन साउथ, वर्चुअल है असली में नहीं है। तो मैंने कहा ठीक, एक लूप लिया, अगर तेरे को करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो इमेजिन कर कौन सा पोल है साउथ, किया था सोलेनॉइड में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो कौन सा पोल है नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ठीक है साउथ एंड नॉर्थ, क्लियर है। तो ये रूल बना दिया। तो किसी ने कहा कि ठीक है साउथ और नॉर्थ है तो ये जो है एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो फिर उस केस में अगर ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो किसी ने कहा कि ठीक है फिर क्या मैं इसे मैग्नेट ही बना लूं, बना ले यार मैग्नेट बना ले, क्या प्रॉब्लम है, ये साउथ है ये नॉर्थ है तो बना ले। फिर कहता अगला जो लूप है उसको भी मैग्नेट बना लूं, हाँ बना ले ये लो बिल्कुल बना ले। तो जितने लूप्स हैं उसको बनाया जा सकता है कि वो एक बार मैग्नेट है। मन में सोचना है कि बार मैग्नेट का कॉम्बिनेशन है, तो एक सोलेनॉइड को ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बार मैग्नेट से बना हुआ है। और उल्टा भी ट्रू है, अगर आपके पास
एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट है, बहुत बड़ी बार मैग्नेट है। तो जैसे ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो आप इमेजिन कर सकते हो इसको काट 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 के ये बन गया, और एक मैग्नेट सर्कुलर लूप की तरह काम कर रहा है। तो ये बहुत सारे सर्कुलर लूप्स हैं। तो मतलब एक सोलेनोइड, एक बड़ा मार मैग्नेट, एक बड़ा मार मैग्नेट, सोलेनोइड, ऐसा इक्विवेलेंट मान सकते हो। आप कहेंगे फिर फायदा क्या हुआ मानने का, मतलब कैसे मान ले, ऐसे इमेजिन कर लो, कंपेयर कर लो। क्यों कर लो भी कंपेयर? सोलेनोइड का एग्जाम्पल सोलेनोइड करेगा, बार मैग्नेट का एग्जाम्पल बार मैग्नेट करेगा, दोनों का आपस में लेना देना है ही नहीं, तो कंपेयर क्यों कर रहे हो? अब होगा क्या, आपको क्वेश्चन में देगा कि सोलेनोइड के एक्सिस पे बी निकालो, आपको आता है बी म्यू नॉट एन आई। लेकिन जब वो कहेगा इस सोलेनोइड के बाहर कोई पॉइंट है जहां पर बी निकालो, एक्सिस के बाहर निकल गया पॉइंट, फिर कैसे निकालोगे? आपका एग्जिस्टिंग फॉर्मूला ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आप अपने मन में इस सोलेनोइड को क्या बनाओगे? बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर बी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि बार मैग्नेट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। ये मैग्नेट डायपोल है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के ऊपर बी निकलता था, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन, ऐसी बार मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर एक्सियल लाइन का फॉर्मूला बनाएंगे हम, और अपने बी की वैल्यू को निकाले। अब बी की वैल्यू हम बार मैग्नेट के लिए तो निकाल लेंगे, पर हमने इसको कंपेयर किया था विद सोलेनोइड, तो वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। इसलिए कभी कभी कन्वर्जन काम आती है, पर बहुत ज्यादा काम नहीं आती, ये वैसे मैं बता दूं आपको। और एक और चीज, हमने गॉस लॉ किया था ना इलेक्ट्रोस्टैट्स में, क्या था इलेक्ट्रोस्टैट्स में? गॉस लॉ था फॉर क्लोज सरफेस, ई डॉट डी एस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिज्म के अंदर भी गॉस लॉ होता है, फॉर अ क्लोज सरफेस, फॉर अ क्लोज सरफेस बी डॉट डी एस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लो, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक। लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आते, हम बस एक फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं। अगर फॉर्मूला डायरेक्टली मार्क करने को, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या मार्क करना है।